मस्ती का नुकसान। बहुत समय पहले किसी शहर में 8 साल का गौरव और 7 साल की रूही अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। वो दोनों दिन भर मस्ती किया करते थे, लेकिन मस्ती करते समय वो ये नहीं देखते थे कि उनकी मस्ती से कहीं किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा। बच्चों, मैं तुम्हारे पापा से मिलने आया हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? अंकल, मेरा घर वो वाला है। अच्छा। ऐसे ही वो अक्सर मस्ती किया करते थे। एक दिन उनके मम्मी पापा तैयार होकर कहीं जा रहे थे। जाने से पहले उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों, हम तुम्हारी बुआ के घर जा रहे हैं। जब तक हम नहीं आते, तुम दोनों अपना ध्यान रखना और अपना स्कूल का होमवर्क खत्म कर लेना। याद है ना, अगले हफ्ते से तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। आप चिंता मत करो मम्मी, हम दोनों अपना ध्यान रखेंगे और स्कूल का होमवर्क भी कर लेंगे। हाँ, और मस्ती मस्ती में कुछ गलत मत करना। ठीक है पापा। ठीक है, हम चलते हैं। ऐसा कहकर मम्मी पापा चले गए। उनके जाने के बाद दोनों ने स्कूल का होमवर्क किया। होमवर्क हो जाने पर गौरव ने कहा, चलो अब कुछ देर खेलते हैं। ये कहकर गौरव ने अपनी अलमारी में से बॉल निकाली और वो दोनों बॉल से खेलने लगे। अचानक गौरव ने बॉल जोर से फेंकी। रूही बॉल नहीं पकड़ सकी और बॉल खिड़की से बाहर चली गई। रूही, तुमने बॉल क्यों नहीं पकड़ी? भैया, मैंने कोशिश की थी, लेकिन आपने बॉल बहुत तेज फेंकी थी। ठीक है, लेकिन अब हम कैसे खेलेंगे? वो दोनों सोच में पड़ गए। तभी गौरव को एक आइडिया आया। आइडिया! वो भागकर अपनी नोटबुक्स के पास गया। उसने नोटबुक में से एक ब्लैंक पेज फाड़ा और उसकी बॉल बनाकर रूही के ऊपर फेंक दी। अब हम ऐसे खेलेंगे। ठीक है, तो मैं भी ऐसे ही खेलूंगी। ये कहकर रूही अपनी नोटबुक के पास गई। उसने नोटबुक में से एक ब्लैंक पेज फाड़कर उसकी बॉल बनाई और गौरव के ऊपर फेंक दी। अच्छा, अब देखो मैं क्या करता हूँ। और फिर देखते ही देखते दोनों अपनी अपनी नोटबुक से पेजेस फाड़कर उसकी बॉल बनाकर एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। ये लो, तुम भी लो। फिर गौरव ने अपनी नोटबुक में से 4 पेजेस फाड़े और उसकी एक बड़ी सी बॉल बनाकर रूही के ऊपर फेंकी। ये लो, बड़ी वाली बॉल। रूही ने 4 की जगह 5 पेजेस फाड़े और उसकी एक बड़ी सी बॉल बनाकर गौरव के ऊपर फेंकी। तुम भी लो, तुमसे भी बड़ी बॉल। ऐसा करते करते उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और वो अपने लेसन्स वाले पेजेस भी फाड़ कर एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। ऐसे ही करते करते उन्होंने अपनी सारी नोटबुक फाड़ दी। जब नोटबुक में पेजेस नहीं बचे तो गौरव का ध्यान कमरे पर गया। कमरे में फैले कागज की बॉल्स देखकर उसने कहा, रूही, अगर मम्मी ने ये सब देखा तो वो बहुत गुस्सा होंगी। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हो, चलो जल्दी से इसे साफ कर देते हैं। उन दोनों ने जल्दी से सारे कागज उठाकर डस्टबिन में डाल दिए और फिर कुछ दिनों बाद वो मस्ती में की गई इस गलती को भूल गए। एक हफ्ते बाद जब उनके स्कूल के एग्जाम नजदीक आए तो मम्मी ने उन दोनों से कहा, गौरव, रूही, जल्दी से अपने स्कूल बैग लेकर मेरे पास आओ, आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। कल से तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए आज से मैं रोज तुम्हें पढ़ाऊंगी। गौरव, पहले तुम अपनी नोटबुक मुझे दो। गौरव ने अपनी नोटबुक निकालकर मम्मी को दे दी। मम्मी ने बड़े प्यार से नोटबुक खोली, लेकिन नोटबुक खुलते ही उन्होंने देखा कि उसमें एक भी पेज नहीं था। उन्होंने गुस्से में गौरव से कहा, गौरव, सारे पेजेस कहाँ गए? इसमें तो एक भी पेज नहीं है। मुझे नहीं पता मम्मी। रूही, तुम अपनी नोटबुक दिखाओ। रूही ने अपनी नोटबुक मम्मी को दी।
मम्मी ने उसे खोला तो वो भी पूरी तरह से खाली थी। तुम्हारी नोटबुक में भी कुछ नहीं है? मुझे सच सच बताओ, तुम दोनों की नोटबुक्स को क्या हुआ? गौरव और रूही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनकी नोटबुक के पेजेस कहाँ गए। तभी गौरव को उस दिन कागज की बॉल से खेलने वाली बात याद आई। उसने डरते डरते मम्मी से कहा, मम्मी, उस दिन जब हम बॉल से खेल रहे थे तब हमारी बॉल खिड़की से बाहर चली गई थी, इसलिए हम अपनी नोटबुक में से पेजेस फाड़कर उसकी बॉल बनाकर खेलने लगे। शायद उसी में सारे पेजेस फट गए। क्या? तुमने सारे लेसन्स फाड़ दिए? मम्मी के गुस्से को देखकर रूही और गौरव रोने लगे। मम्मी, हम तो बस मस्ती कर रहे थे। हमने ध्यान ही नहीं दिया कि मस्ती मस्ती में हमारे सारे लेसन्स भी फट गए। उन दोनों को रोता देख मम्मी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बच्चों को प्यार से समझाते हुए कहा, बच्चों, मस्ती करना अच्छी बात है, लेकिन मस्ती करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं मस्ती मस्ती में हम कुछ ऐसा ना कर दें जिससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तुम दोनों ये बात हमेशा याद रखना। मम्मी के प्यार से समझाने पर रूही और गौरव मस्ती का असली मतलब समझ गए। We are very sorry, मम्मी। हम आगे से आपकी ये बात हमेशा याद रखेंगे। लेकिन अभी हम पढ़ाई कैसे करेंगे? हाँ, हमारी नोटबुक में तो एक लेसन भी नहीं बचा। उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें किताब में से पढ़ा दूंगी। ओके मम्मी। इस तरह गौरव और रूही को मस्ती का असली मतलब समझ आ गया और फिर उन्होंने बिना सोचे समझे कभी मस्ती नहीं की। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।